और अब खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी, आपको बता दें जहां आरोपी अरमान की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। तो हत्याकांड का आरोपी 5 लाख का इनामी है जिसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। धूमनगंज पुलिस करेगी कुर्की की कार्रवाई। तो हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है अरमान, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। तो आरोपी अरमान की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। बता दें कि हत्याकांड का आरोपी 5 लाख का इनामी है जिसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई होगी। धूमनगंज पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। बता दें कि हत्याकांड के बाद से लगातार अरमान फरार चल रहा है और अब मामले में ये बड़ी कार्रवाई सामने आएगी। धूमनगंज पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। आरोपी अरमान की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी अरमान की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। आपको बता दें कि आरोपी अरमान 5 लाख का इनामी है, वहीं कुर्की की यह कार्रवाई धूमनगंज पुलिस करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत बैनर्जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी आ रही है, क्या कुछ कार्रवाई? यदि मैं दर्शकों बताना चाहता हूँ कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी के रूप में अरमान था, ये वही अरमान है जिसने शाइस्ता परवीन के बॉडीगार्ड की भूमिका भी निभाई हुई है और अभी भी लगातार वो शाइस्ता परवीन के साथ उसके बॉडीगार्ड के रूप में घूम रहा है, ऐसा सूत्रों की जानकारी का पता चला है। अब इस अरमान के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, घर को कुर्क किया जा रहा है। लगभग 200 वर्ग इलाके में बसी इस घर की जो कीमत है लगभग 2.25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और इसका आज पूरी कार्रवाई होगी। यदि कुछ ही देर पहले पुलिस अंदर गई है और अंदर जाके वहां से सामान निकालने की कवायद कर रही है, जिसके बाद इसको ऑफिशियली सील किया जाएगा और उसके बाद सरकारी मुहर लगा के इस पूरे घर को सील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जानकारी देने के लिए। तो धूमनगंज पुलिस कुर्की की कार्रवाई आज करेगी। आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद से अरमान लगातार फरार चल रहे हैं और अरमान पर 5 लाख का इनाम घोषित है।